जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। वेलकम बैक गाइस। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आर्द्रा नक्षत्र। ये हमारा छठा नक्षत्र है माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ नक्षत्र सीरीज में। सो सिक्स्थ नक्षत्र, अगर हम सिक्स्थ हाउस देखें हमारे काल पुरुष कुंडली में, तो सिक्स्थ हाउस डिनोट्स डिसीजेस एंड एनिमीज एंड डिस्ट्रक्शंस। सो ये छठा नक्षत्र होने के कारण अभी तक हमने जितने भी नक्षत्र पढ़े हैं उसमें डिस्ट्रक्शन वाली थीम्स और ये नहीं आई। पर आर्द्रा में बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि राहु केतु आर्द्रा मूला की जब एक्सिस में आते हैं तो पेंडेमिक्स आते हैं। अभी आई। सो दिस इज द फर्स्ट नक्षत्र विच फॉल्स ऑन द सिक्स्थ। सो छठे भाव के ट्रेड्स इसमें आ रहे हैं, इसलिए इसको पैंडेमिक्स से भी रिलेट करके बहुत सी बार देखा जाता है। बट हमेशा कोई नक्षत्र बुरा नहीं होता। वी विल गेट टू नो द डिटेल्स ऑफ आर्द्रा नक्षत्र बाय ईच माइथोलॉजिकल स्टोरीज। सो फर्स्ट थिंग, आर्द्रा नक्षत्र जैमिनी में 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्रीज के बीच में इसके चारों पद आते हैं। और आर्द्रा को हम स्टार ऑफ अचीवमेंट भी बोलते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार भी है। अब अचीवमेंट की बात आती है, स्टार ऑफ अचीवमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र वालों नेटिव में एक ललक होती है, वो कुछ भी पाने का एक जुनून होता है। अगर वो पॉजिटिव वे में ले लें उसको, सो अगर पॉजिटिव एनर्जी यूज कर लें तो स्टार वो कुछ भी अचीव कर जाएंगे। अगर नेगेटिव एनर्जी करेंगे तो डिस्ट्रक्शन, डेथ, ये वाले ट्रेड्स भी आर्द्रा में देखे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो आता है कि ये जैमिनी में ही क्यों आता है। सो जैमिनी आर्द्रा और मृगशिरा को मिला के जैमिनी का पहला पदा जो स्टार्ट होता है वो मृगशिरा से होता है और दूसरा जो नक्षत्र आता है वो आर्द्रा आता है। मृगशिरा को हम देखें तो मृगशिरा हो गए अपनी माँ पार्वती और आर्द्रा हो गए महाकाल रुद्रा। सो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन, शिव के बिना शक्ति अधूरी है अगर हम वो देखें तो। वहां से भी कॉन्फ़िगरेशन जिसने भी बनाया है, हमारे ऋषि मुनियों ने जिनने भी ये नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन बनाया है वो सोच समझ के बनाया है। क्योंकि अगर हम देखेंगे आर्द्रा और मूला को देखते हैं, आमने सामने आते हैं जोड़ी में, हाउसेज में। सो आमने सामने आ रहे हैं मतलब एक में तो आ गया महाकाल आर्द्रा, मूला में आ गए महाकाली। सो वहां से भी एक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा मिलता है। और अगर यहाँ से देखें मृगशिरा और आर्द्रा दोनों के ट्रेड्स भी सेम है। वो मृगशिरा में हमारे माँ पार्वती जन्मी थी एंड आर्द्रा में भोलेनाथ का इनकारनेशन रुद्रा के रूप में है। सो यहाँ भी एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। अब जैमिनी साइन में ही क्यों आर्द्रा आता है, इस पे अगर हमको सोचना हो तो हम क्या करेंगे। जैमिनी, जैमिनी मतलब बुध, बुद्ध यानी मर्क्यूरी। बुद्धा को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा इज ए इनकारनेशन ऑफ विष्णु और उनको ऐसा भी कहा जाता है गौतम बुद्धा इज ए इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड डिजायर ऑफ शिवा। सो शिवा और विष्णु के दोनों के ट्रेड्स वहां पे आ गए हैं। दोनों के ट्रेड्स बुद्धा के अंदर कैसे आए, अगर हम देखें बुद्धा की लाइफ 28 साल तक, स्टार्टिंग के 28 साल तक वो अपने घर में ही रहे थे। 28 साल के बाद वो घर से बाहर गए थे। वो जब तक घर में रहे तो वो शैया, जैसे कि हमारे भगवान विष्णु शैया पर बैठे रहते हैं, वैसे ही ही वॉज लाइक ए किंग, राजाओं की तरह रहे जब तक घर में रहे। बट जैसे ही वो फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले ही बिकम द जोगी। देर इज ए सर्टेन एंड सटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए आर्द्रा को ट्रांसफॉर्मेशन का वो भी कहा जाता है। स्टार्टिंग के जो 28 साल थे वो बुद्धा की मृगशिरा वाली ट्रेड्स भी बताता है साथ में। बट 28 साल के बाद जैसे ही वो घर से निकले वो रुद्रा बन गए। रुद्रा मतलब द स्टार्टिंग में उनने स्ट्रगल किया बट वंस ही गेट टू नो हिमसेल्फ। और 6 साल बाद जब वो 35 36 साल के हो गए, दैट टाइम उनको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया एंड उनकी शक्तियों को पहचाना और फिर उनको लोग फॉलो करते गए। सो
सो वो जोगी बन गए लाइक सो आर्द्रा की एनर्जी वहां पे बहुत ज्यादा दिखती है, इसलिए आर्द्रा रूल बाय जेमिनी और बुद्धा के घर में ही आता है। तो ये तो हो गई आर्द्रा क्यों आता है। अब हम देखते हैं द सिंबल ऑफ आर्द्रा इज फर्स्ट सिंबल होता है टीयर ड्रॉप्स। टीयर ड्रॉप्स क्या बताता है? आंसू, भगवान शिव के आंसू, क्योंकि रुद्रा है ये, रुद्रा के आंसू। सो पहली चीज तो ग्रीफ भी बताएगा और दूसरी चीज अगर हम देखें तो ये बताएगा आंसू और शिव की जटाओं से ही गंगा बहती है। सो शिव के अंदर ही गंगा समाए थे, तो जो आंसू निकल रहे हैं वो भी गंगा ही है एक तरह से। सो जब भी आंसू निकलेंगे, सो इन इंडिया में ऐसा कहा जाता है जब भी आर्द्रा में सन आता है कॉन्स्टिलेशन में, उस समय मानसून आता है। मानसून आ रहा है मतलब लाइक टीयर्स ऑफ शिवा, मानसून बारिश हो रही है जो सबको तृप्त कर दे। सो और सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि उससे पहले पूरी गर्मी थी समर्स, उसके बाद आया बारिश का रेनी सीजन। सो टीयर्स ऑफ टीयर ड्रॉप्स बारिश के सीजन को भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इंडिया में जब भी सन आर्द्रा नक्षत्र में आता है जुलाई में आई थिंक, उस समय ही मानसून पहली बार मानसून आता है। साथ में इसको जो सेकंड सिंबल है दैट रिप्रेजेंट डायमंड्स, तो डायमंड्स को अगर हम देखें तो डायमंड क्या बताता है? डायमंड एक प्रेशर, जब बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है उसके बाद डायमंड क्रिएट होता है। सो जो स्टार ऑफ अचीवमेंट है वो आर्द्रा वाले बंदे बहुत ज्यादा प्रेशर सहन कर सकते हैं, एंड अगर वो उनकी एनर्जी सही दिशा में चले गई तो दे बिकम द डायमंड। और तीसरा ह्यूमन हेड भी रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन हेड रिप्रेजेंट हाई लेवल थिंकिंग। सो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, क्योंकि यहाँ पे राहु है, राहु ऐसी स्किल्स प्रदान करता है। राहु या इसका आर्द्रा का जो रूलर है वो राहु ही है। अगर हम संस्कृत नेम देखें आर्द्रा का, तो आर्द्रा का जो मीनिंग हो गया वो हो गया मोइस्ट वन। संस्कृत में मोइस्ट वन मतलब मॉइस्चर, जो नमी आती है उसको दिखाता है। तो नमी कब आती है? जब मानसून आता है उस समय एकदम नमी आ जाती है मौसम में, मॉइस्ट हो जाता है, ना गर्म ना ठंडा, उसके बीच का जो मॉइस्ट चिपचिपा सा जो रहता है ना, दैट रिप्रेजेंट आर्द्रा। तो हम हमेशा कॉन्स्टिलेशन से अगर मिला के देखेंगे तो वैसे ही चीजें भी चल रही है जो हमारा नक्षत्र बता रहा है। ऑल्सो आर्द्रा सिग्निफाइज द यूथफुलनेस एंड वेरी एडेप्टिव नेचर समटाइम्स। कुछ वर्ड्स जो आर्द्रा नेटिव पे, अगर कोई आर्द्रा नेटिव में पैदा, आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो उनके लिए कुछ वर्ड्स हैं लाइक कु घा डा छा। अब हम अगर हम देखें तो रुद्रा इज अ डाइटी ऑफ आर्द्रा, और साउथ में आर्द्रा को बोलते हैं तिरुआद्रई। तिरुआद्रई का मीनिंग होता है वन विच इज वेरी हॉली, और मतलब बहुत पवित्र माना गया है इस नक्षत्र को, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी नक्षत्र है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो रुद्रा रुद्रा को जो नाम मिला था रुद्र, जब वो पैदा हुए, उनकी स्टोरी हम देखेंगे जो, तो तब वो जब वो पैदा हुए थे तो उनको ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए। पहला नाम दिया उनने सिलेक्ट नहीं किया, दूसरा दिया वो भी नहीं किया, ऐसे 8वां नाम रुद्र उनको दिया, तो 8वां नाम उनने सिलेक्ट किया। तो 8th हाउस अगर देखें तो 8th हाउस क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस हो गया है हमारे। सो दिस इज ए नक्षत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम सारी चीज कोरिलेट कर ले हमारे काल पुरुष कुंडली से ही या हमारी डेली लाइफ से ही, सो वी विल गेट टू नो कि कितना आसान हो जाता है नक्षत्रों को समझना, या फिर उनका कॉन्फिग्रेशन जिसने भी बनाया हो बहुत सोच समझ के, बहुत ही ज्ञानी होगा जिसने ये सब कॉन्फिग्रेशन बिल्कुल सीक्वेंस में बनाया है। अब रुद्रा, रुद्रा क्या रिप्रेजेंट करता है? रुद्रा इज ए होली हॉलिंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स, थंडर, आंधी तूफान, और जो बिजलियां कड़कती है वो सारे आर्द्रा जो रुद्रा है उसके डाइटी वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो वो टीयर ड्रॉप से भी हमको पता पड़ता है, जब भी बारिश होगी तो बारिश होते समय क्या होगा?
आंधी आएगी, तूफान आएगा, बादल गरजेंगे और बिजली कड़केगी, तभी बारिश आती है। बिना उसके बारिश नहीं आएगी, बिना बिजली कड़के बारिश नहीं होती है, बिना बादल छाए बारिश नहीं होती है। तो ये सारे जो भी ट्रेट्स हैं, या आर्द्रा वाले मतलब आर्द्रा कॉन्स्टिलेशन को बहुत ज्यादा सिग्निफाई करते हैं। अगर हम थीम्स की बात करें, नॉर्मल थीम्स की आर्द्रा में, तो आर्द्रा वालों को सोशल आउटकास्ट भी किया जाता है, उनको पेरेंटल इश्यूज भी होते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी होता है बर्थ टाइम में। थीम ऑफ डिस्ट्रक्शन इज क्लोजली रिलेटेड विद द आर्द्रा। एंटी सोशल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा आर्द्रा के उसमें होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए लोनर। वो क्यों बोलते हैं हम आगे स्टोरीज में समझेंगे। उसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया कि मृगशिरा इज लाइक पार्वती, आर्द्रा इज लाइक शिवा, बोथ आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो आर्द्रा वाले शादी के बाद कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हम देखें फर्स्ट स्टोरी आर्द्रा की और उनके ट्रेड समझें, तो पहली स्टोरी तो आती है हमारी माता सती की। सती माता ने सती माता जो थी दक्ष की बेटी थी। दक्ष की और सती माता की पूरी स्टोरी मैंने पिछले मृगशिरा नक्षत्र और पिछले नक्षत्रों में सारी मैंने स्टोरी बताई है। अगर आपको डिटेल स्टोरी जानना है तो यू कैन गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन कृतिका नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र, जिसमें पूरी डिटेल स्टोरी है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन करना इट्स नॉट गुड, टाइम बढ़ेगा। दक्षा दक्षा की बेटी थी सती। सती ने शिव से शादी की एंड दक्ष को शिव पसंद नहीं थे, और उनने एक यज्ञ रखा। दक्ष ने यज्ञ रखने के बाद उनने शिव और सती को बुलाया नहीं, यज्ञ में इनवाइट नहीं किया, बाकी सारी देवी देवताओं और सारे बड़े जनों को बुलाया। आफ्टर दैट सती खुद के पिता के यज्ञ में गई, और भोले रुद्रा ने मना किया था उनको जाने के लिए, बट देन टू शी वेंट देयर एंड आफ्टर दैट उन वहां पे शिव की इंसल्ट वो देख नहीं पाई, और उनने यज्ञ में अपना आहुति दे दी, और इसी कारण से उनको श्राप मिला था उनके पिता दक्ष को, और गुस्से में भोलेनाथ ने उनका सिर काट दिया था। दिस इज अब आगे की स्टोरी क्या हुई। ये तो मृगशिरा तक, स्टेप बाय स्टेप मृगशिरा तक आ गए। अब आया आर्द्रा, सती का दहन हो गया। तो जब सती को शिव ने देखा तो शिव वॉज क्राइंग, क्योंकि तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। दैट इज वन ऑफ द ट्रेट ऑफ टीयर ड्रॉप्स। दूसरी चीज अगर हम देखें, लोनलीनेस। शिव सती के बिना अकेले हो गए थे उनके सती के दहन के बाद, तो एक लोनलीनेस वाली, क्योंकि रुद्रा ने वो फील किया है और इसी कॉन्स्टिलेशन में फील किया है। एक लोनलीनेस वाली फीलिंग भी इन लोगों को आती है कि इनके साथ कोई नहीं है, या फिर इनको अकेला रहना पसंद होता है आर्द्रा वालों को। साथ में अगर हम देखें ग्रीफ वाली, शिवा स्टार्ट क्राइंग और समाधि में चले गए। तो मतलब समाधि में चले गए यानी सिंगल, लोनलीनेस। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। पहले वो शादीशुदा थे सती माता के साथ, उसके बाद क्या हुआ, और सती माता चले गई, ही वेंट टू समाधि। तो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। वो जब रो रहे थे तो उन्हीं के टीयर्स को रुद्राक्ष बोलते हैं, और टीयर रिप्रेजेंट भी करता है आर्द्रा को बहुत क्लोजली। यहाँ से हम स्टोरी से हमको ये भी पता पड़ रहा है। तो पहली चीज, आर्द्रा वालों के साथ इनको रुद्राक्ष अपने साथ रखना चाहिए, तो आर्द्रा की एनर्जी हमेशा उनके पास रिवाइव रहेगी। रुद्राक्ष रिप्रेजेंट द टीयर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। रुद्राक्ष हमेशा रखना इनके लिए बहुत अच्छा होता है, आर्द्रा वालों के लिए। इनकी एनर्जी हमेशा रिवाइव रहती है, और एक इनको एनर्जी चैनलाइज करने का वो मिलता है। जो दूसरी स्टोरी है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन जो शो करता है आर्द्रा। आर्द्रा इज ऑल्सो द स्टार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी तो अपन ने देखा सती माता का, वहां भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ।
नौ शिवा की वापस से पार्वती माता से शादी हो गई, पार्वती माता यानी मृगशिरा नक्षत्र, उनसे शादी हो गई यानी शिवा। फिर उनका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, फ्रॉम द लोनलीनेस टू वापस उनका पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। सो ट्रांसफॉर्मेशन की थीम बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करती है आर्द्रा वालों को ये बहुत। या ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे वे में भी होता है, बुरे वे में भी होता है। अगर पत्नी आर्द्रा वालों को या हस्बैंड आर्द्रा वालों को बहुत अच्छा मिल जाए, जो थिंकिंग उनकी चैनलाइज कर दे, क्योंकि शक्ति ने शिवा को बहुत सारी चीजें सिखाई थी, विरक्ति से शक्ति तक की जितनी भी चीजें हैं, विरक्ति से बाहर लाना भोलेनाथ को, वो सारी चीजें की थी माता ने, पार्वती माता ने शादी के बाद। तो भोलेनाथ को बहुत सारे ज्ञान विद्या शादी लाइक उसके बाद भी पता चला। तो ये इट इज ए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। तो बोल सकते हैं शादी के बाद बहुत ज्यादा लाइक सन्यासी विरक्ति से शक्ति तक की यात्रा इंसान कर लेता है। तीसरा बोलते हैं तारकासुर। तारकासुर क्या है, डीमन था, वो भी आद्रा में था। अब उसने क्या भोलेनाथ की वो की भोलेनाथ की तपस्या की और उनसे बून लिया, तो उसको कोई हरा नहीं सकता था। सो ये स्टोरी क्या बताती है, ये स्टोरी बोलती है कि इनमें एक जील होता है आर्द्रा वालों में। अगर वो कुछ भी, वो अच्छे वे में भी हो सकता है, बुरे वे में भी हो सकता है, दे गो टू एक्सट्रीम्स। अगर वो अपनी एनर्जी अच्छे उसमें चैनलाइज कर दे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। इनमें एक टेम्पटेशन होता है, किसी भी चीज को पाने का बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होता है आर्द्रा वालों में। दे हैव समथिंग अनडिफिटेबल पावर, वो किसी को भी हरा सकते हैं और झुका सकते हैं। अब जो अगली चीज आती है, दैट इज द मेन स्टोरी, द स्टोरी ऑफ रुद्रा, बर्थ ऑफ रुद्रा, और ये ही डाइटी है आर्द्रा के। तो एक बार क्या हुआ, ये ब्रह्मा और सरस्वती की स्टोरी मैंने पहले भी बता दी है डिटेल में, पिछले नक्षत्र में मृगशिरा में। सो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अभी क्या होता है, बर्थ ऑफ रुद्रा कैसे हुआ, तो अलग अलग कहानी अलग अलग चीजों से प्रचलित है। तो एक स्टोरी बोलती है कि ब्रह्मा एक बार चेस कर रहे थे सरस्वती माता को, ब्रह्मा की बेटी ही थी, पर ब्रह्मा को उनसे लाइक शादी करनी थी या उनको प्यार हो गया, तो ही वॉज चेजिंग सरस्वती माता। सो ये सारे देवी देवताओं को अच्छा नहीं लगा। सो सारे देवी देवताओं को जब ये अच्छा नहीं लगा, तो उन लोगों ने क्या किया, भोलेनाथ से प्रार्थना की, और रुद्र का, सारे देवी देवताओं ने मिलके रुद्र का इनकार्नेशन ऑफ रुद्रा और रुद्र को प्रकट किया, ठीक है। सो जैसे रुद्र प्रकट हुए, रुद्र ने देखा कि ये अलग। अब रुद्र का जो जन्म हुआ, तो रुद्र का जन्म ऐसे हुआ, जब वो जन्मे थे तो ही वॉज क्राइंग, चिल्ला रहे थे। दूसरा, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा आग थी। उसके बाद पूरा शरीर जल रहा था, फायर। फायर इज क्लोजली रिलेटेड टू रुद्रा, और बहुत ज्यादा एंगर था। सो इससे, इतनी स्टोरी से हमको पता पड़ता है कि एंगर इश्यूज बहुत होते हैं आर्द्रा वालों में, बहुत सी बार एंगर इश्यूज हो जाते हैं। सेकंड चीज, रुद्रा जब पैदा हुए तो वो रोते हुए पैदा हुए, या फिर आंखों में अंगारे थे। तो अगर कोई बच्चा पैदा होते समय बहुत रो रहा है, कंटिन्यूअसली 1 महीने रो रहा है, तो हमारे दिमाग में, या फिर 2-3 घंटे 4 घंटे रोते हुए ही, मतलब कंटिन्यूअस चुप ही नहीं हो रहा, पहली बात हमारे दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए, ही माइट बी प्रोमिनेंट आद्रा। आद्रा वाले बचपन में बहुत रोते हैं, ठीक है। सो ही माइट बी प्रोमिनेंट आद्रा। दिस इज हाउ वी कैन गेट टू नो कि अगर सामने वाला ऐसा दिख रहा है या ऐसा है, तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, एंगर। एंगर बहुत एंग्री, मतलब वो पूरे एंगर स्टेट में ही पैदा किए गए थे, मतलब उनका जो इनकार्नेशन हुआ था। सो वहां से भी हमको पता पड़ता है कि एक एंग्री नेचर भी रहता है आद्रा वालों का थोड़ा बहुत, अगर चैनलाइज सही से नहीं हुई उनकी एनर्जी तो। सो उनने क्या किया, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो उनने क्या किया, उनने एक ही शॉट में,
उनका सिर काट दिया ब्रह्मा जी का। जब ब्रह्मा जी के पांच सिर थे, उनमें से एक सिर कट गया, दैट रिप्रेजेंट द ह्यूमन हेड, वो हिमरक्षिरा बना और आर्द्रा, वो ही ह्यूमन हेड आर्द्रा का जो एक सिंबल है वो है हेड ऑफ ह्यूमन, तो वो सिर भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपन देखते हैं कि मृक्षिरा और आर्द्रा में कितनी सिमिलैरिटीज है, वो ही जाके कॉन्स्टिलेशन में बना मृक्षिरा का सिंबल, और वो ही जाके बना हेड ऑफ लाइक सिंबल ऑफ आर्द्रा टू, क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशनशिप है और सब लाइन बाय लाइन जा रहा है। अगर हम आगे देखें इसमें तो रुद्रा ब्रह्मा का सिर उनने त्रिशूल से काट दिया, सो वेपन्स और हंटिंग, रुद्रा ने क्या की हंटिंग, सो बहुत सारे हंटर्स जो होते हैं ना वो आर्द्रा नेटिव रहते हैं, बहुत सारे हंटर्स। दूसरी चीज अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं है, लाइक ही वॉज चेजिंग एंड ही जस्ट किल्ड हिम, सो ये भी एक ट्रेट है आर्द्रा वालों के साथ। साथ में अगर हम देखें आर्द्रा, उसके बाद क्या हुआ स्टोरी में, रुद्रा ने जब सिर काट दिया तो लो भगवान सारे देवी देवताओं ने बोला इनने तो इसको मार ही दिया, दिस इज नॉट गुड, तो खुद पे बात ना आए इसलिए उनने रुद्र को वहां से दूर कर दिया, लाइक आउटकास्ट कर दिया रुद्रा को। सो वो जाके जंगल में हिमालय में जाके रहने लगे, उनको देवी देवताओं की पदवी नहीं दी बोल सकते हैं, और जबकि काम सारे देवी देवताओं का ही था, बट मारा रुद्रा ने और उनको लगा कि ये गलत है कि सिर ही काट दिया और ब्रह्मा का एक रूप का अंत हो गया, सो दिस इज नॉट राइट, सो सारा ब्लेम किस पे डाल दिया, रुद्रा पे डाल दिया, तो वो उनको आउटकास्ट कर दिया गया। सो आउटकास्ट, सोसाइटी से आउटकास्ट करना, वो वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आर्द्रा में देखी जाती है इस कारण से ही। अगर हम और आगे स्टोरी को देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है पशुपति नाथ ऑल्सो, रुद्रा ऑल्सो रिप्रेजेंट, आर्द्रा ऑल्सो रिप्रेजेंट द पशुपति नाथ। पशुपति नाथ इज द किंग ऑफ द एनिमल्स, किंग ऑफ द एनिमल मतलब किंग, इनकी भी दो तीन स्टोरीज हैं, बट पहले हम रुद्रा को कंप्लीट करते हैं उसके बाद पशुपति नाथ पे जाते हैं। तो अगर हम ये देखें फोटो अगर हम देखते हैं रुद्रा की, सो सबसे पहले इनके बाल हेयर्स, सो इनकी जो हेयर स्टाइल है ना, आजकल ऐसी हेयर स्टाइल बहुत चल रही है, तो वो प्रोमिनेंट आर्द्रा वाले होते हैं, अपने हेयर्स को कलर करा लेना या फिर मोटे मोटे जुट्टे बना लेना जैसे भोलेनाथ के होते हैं या फिर ऋषि मुनियों के होते हैं, वैसे बाल मिला मिला के आधे जुट्टे बना लेना, वो वैसे हेयर्स के ट्रेड से आर्द्रा वालों में होते हैं। आर्द्रा वालों, भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा जाता है, नीलकंठ मतलब उनका गला नीले कलर का है, नॉर्मल फ्रॉम अदर देवताओं के गले से अलग है, और वहां पे उनने विष भी धर रखा है, सो और गले में इनके नाग भी है, सो आर्द्रा रिप्रेजेंट पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ बोले तो एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज लाइक स्नेक। उसके बाद गला, ये आर्द्रा वालों का प्रोमिनेंट गला का जो ये भाग है वो बाहर निकला हुआ रहता है, जो गले का मेन ये बाहर उभरा हुआ रहता है, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट, अगर वो देख के भी हमको लगता है कि ये आर्द्रा वाले हो सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो टैटूज बनवाना आर्द्रा वालों को बहुत पसंद है, बहुत सारे आर्द्रा वाले नेटिव आजकल टैटूज बनवा रहे हैं, तो आर्द्रा वाले हो गए। एनिमल इज क्लोजली रिलेटेड विद भोलेनाथ, गले में भी एनिमल है और नीचे खाल भी उनने एनिमल की पहन रखी है, सो इनको लेदर की चीजें बहुत पसंद होती है आर्द्रा वालों को, या फिर एनिमल स्किन से बनी चीजें बहुत पसंद होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सोटिक एनिमल जो पालने, जो बहुत सारे लोग एनिमल पालते हैं, शेर पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, ये एक्सोटिक एनिमल्स जो पालते हैं ये आर्द्रा वाले होते हैं, वो सारे राहु के नक्षत्र ही होते हैं मेनली इन्फ्लुएंस, जो भी पाल रहे हैं लाइक टाइगर पाल रहे हैं, माइक टाइसन टाइगर पालता है, तो ही वॉज ए प्रोमिनेंट आर्द्रा एंड सदिशा टू, क्योंकि दोनों राहु के ही वो हैं, तो राहु रिप्रेजेंट्स एनिमल ऑल्सो। उसके बाद एरो को देखें यहाँ पे, तो जिससे इनने भोलेनाथ ने
काटा था, सिर काटा था ब्रह्मा का। सो एरो रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेपन्स भी रिप्रेजेंट करता है, डिस्ट्रक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, और बहुत सी बार लोग सुसाइड भी करते हैं इस आर्द्रा वाले। सो ये यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं पशुपतिनाथ की स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी आती है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ किंग ऑफ एनिमल्स। सो एक स्टोरी जो फर्स्ट स्टोरी बताती है, वो बताती है माता पार्वती और लॉर्ड शिवा ने मृग का रूप लिया, और वो कहाँ पे, बागमती रिवर के पास मिले थे। और वो जिसको मिले वो शिवा, तो वहां पे एक गाय गाय या गौचारे को वो मिले थे, और वो गाय डेली आके भोलेनाथ को दूध पिलाती थी। तो एक बार उनको किसी ने देख लिया, और फिर वहां से पता पड़ा उस गाय का नाम था कामधेनु। सो भोलेनाथ और शिवलिंग पे, भोलेनाथ की शिवलिंग पे वो मिल्क चढ़ाती थी, लाइक दूध चढ़ा से अभिषेक करती थी या दूध पिलाती थी। सो आर्द्रा वाले, अगर यहाँ से हमको दो चीजें पता पड़ी, आर्द्रा वालों की अगर एनर्जी सही नहीं है, मतलब लाइफ में डिस्ट्रक्शन है या कुछ हो रहा है, गाय का दूध भोलेनाथ की शिवलिंग पे हर सोमवार को चढ़ा है, या फिर आर्द्रा नक्षत्र में भोलेनाथ का गाय के दूध से अभिषेक किया जाए, पहली चीज। दूसरा, उनको जो गाय वो दूध चढ़ाती थी वो थी पशु लाइक कामधेनु गाय। तो कामधेनु का स्टेचू इन लोगों को अपने पास रखना चाहिए। कामधेनु गाय का स्टेचू कहीं भी मिल जाता है, वो अगर अपने वर्क प्लेस पे या कहीं भी रखेंगे, सो दैट विल हेल्प अलॉट, क्योंकि कामधेनु ने रुद्रा की प्यास शांत की थी। सो पशुपतिनाथ इज डाइटी ऑफ आर्द्रा नक्षत्र। सो यहाँ से ये चीज भी हमको पता पड़ती है। ठीक है, और अगली अगर स्टोरी देखूं तो महाभारत में, जब महाभारत खत्म हुई, सो महाभारत के बाद उनको पाप धोने थे, क्योंकि उनने महाभारत में सारे पांडवों ने युद्ध किया था, बहुत सारे लोगों की मौत हुई। सो कृष्णा ने उनको बोला कि लॉर्ड शिवा के उनकी तुम लोग लॉर्ड शिवा को ढूंढो और उनसे प्रार्थना करो। सो वो लॉर्ड शिवा को ढूंढने गए, तो लॉर्ड शिवा अपने कैलाश पर्वत से कहीं और निकल गए। सो ही वेंट टू केदारनाथ, वहां पे उनने भैंसे का रूप ले लिया। सो वहां पे, और उनने परीक्षा लेनी चाहिए पांडवों की, तो पांडवों में से एक ने उनका भैंसे के रूप में जब वो थे तो सिर काटा। एक तो भैंसे का जो पिछला भाग था वो तो केदारनाथ में रह गया, और जो सिर था वो पशुपतिनाथ में जाके गिरा। ठीक है, अगेन एनिमल का फॉर्म लिया, वापस पशुपतिनाथ, भैंसे का फॉर्म लिया पशुपतिनाथ, लाइक पशुओं से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है जो भी आर्द्रा वाले नेटिव हैं उनको एक बार केदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों की यात्रा करनी चाहिए। केदारनाथ क्योंकि उनकी एनर्जी फुलफिल प्योर शिवा का होंगे, सिर और जब उनका पैट दोनों मिला देंगे तो एक प्योर शिवा बन जाएगा, प्योर शक्ति बन जाएगी, और वो शक्ति जो आपके अंदर की शक्ति है वो रेजुनेवेट हो जाएगी, सो रीजनरेट हो जाएगी। सो इसलिए बोलते हैं आर्द्रा वालों को केदारनाथ और पशुपतिनाथ एक बार जाना ही जाना चाहिए अपनी लाइफ में। अब उसके बाद अगर हम देखें, सो यहाँ से दो स्टोरीज आ गई हैं केदारनाथ और पशुपतिनाथ की। सो इनने क्या किया, आर्द्रा में शिवा ने काटा भी सिर, और सर्जरी, बहुत सारे जो सर्जन्स होते हैं ना, जब भी काट रहा है कोई, तो काटने पीटने वाले जितने भी ट्रेड्स हुए। अब भोलेनाथ शिवा को जब आउटकास्ट कर दिया गया तो शिवा कहाँ गए, शिवा जंगलों में भटकते रहे। बट जब भी रुद्रा का आप फोटो देखोगे या शिवा का फोटो देखोगे तो उनके हाथ में जड़ी बूटियां मिलेंगी आपको। जड़ी बूटियां मिलेंगी मतलब
दैट रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स आयुर्वेदिक वाइल्ड में जितनी भी चीजें मिलती हैं उनकी क्वालिटीज बता रहा है, वाइल्ड में क्वालिटीज बता रहा है, तो ये लोग सर्जन्स भी होते हैं अच्छे, ये लोग अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको मिल रहे हैं, या फिर कोई नई मेडिसिन फाइंड कर रहा है, तो हो सकता है वो आर्द्रा नक्षत्र का हो। आर्द्रा नक्षत्र वाले ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं साथ में, क्योंकि जड़ी बूटियां भोलेनाथ से ही, मतलब भोलेनाथ को ये भी कहा जाता है, ही वॉज द किंग ऑफ सारी जड़ी बूटियां जो भी आई हैं वो भोलेनाथ के, उससे संजीवनी की शिक्षा जो दी थी वो भी भोलेनाथ ने ही दी थी। सो ऐसी चीज जो रिवाइव कर दे लाइफ को वो सारी की सारी आद्रा नक्षत्र में आती है। सो ये लोग अच्छे सर्जन्स भी होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी होते हैं। अगर बेस्ट रेमेडीज की बात करें हम इन आर्द्रा वालों के लिए, सो रुद्रा हमेशा डांस करते थे टू एलिवेट हिज एंगर, जब भी एंग्री होते थे, तो डांस करना इनके लिए बहुत अच्छा होता है, अगर हम रुद्र की शक्ति को वो करना चाहे। एक रोना, अगर ये आर्द्रा वाले बहुत रो लेंगे तो उनका दिल हल्का हो जाता है, कभी भी बुरा लगेगा तो टीयर्स आएंगे, टीयर्स आएंगे तो आर्द्रा की एनर्जी फुलफिल हो जाएंगी। वियर रुद्राक्ष, शिवा का जो वो है वो रुद्राक्ष ही है, तो वियर रुद्राक्ष पहनना इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर आर्द्रा पीपल। कामधेनु का गाय का स्टेचू रखना इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। रुद्र अभिषेक करना, वो भी गाय के दूध से रुद्र अभिषेक करना इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर दिस पीपल। आफ्टर मैरिज थिंग्स विल ट्रांसफॉर्म, तो अगर शादी नहीं हो रही है आर्द्रा वालों की तो आर्द्रा हो गए शिवा, और मृगशिरा वाले भी सेम एनर्जी, जैमिनी एनर्जी आ गई, दोनों में जैमिनी एनर्जी है, और मृगशिरा हो गई माता पार्वती। शिवा और पार्वती की शादी हुई थी उत्तरा फाल्गुनी में, उत्तरा फाल्गुनी में शादी हुई, और वो उनकी शादी कराई किसने, विष्णु ने, सम मीडिएटर इज देयर। और उनकी शादी कहाँ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुई, और साउथ में मंदिर है जिसका नाम है साउथ में एक मंदिर है, आई पुट इन डिस्क्रिप्शन, वहां पे अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो अगर मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल अगर आप आर्द्रा वाले जाएं तो उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो आर्द्रा वालों को और मृगशिरा वालों को स्पेसिफिकली उस टेम्पल में जाना चाहिए। विजिट पशुपतिनाथ एंड केदारनाथ इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। 12 ज्योतिर्लिंगों में पशुपतिनाथ रिप्रेजेंट करता है आर्द्रा एनर्जी को। सो पशुपतिनाथ और जैमिनी वालों को, अगर जैमिनी लग्न किसी का है तो उनको भी पशुपतिनाथ रिप्रेजेंट करता है, तो उनको वहां भी जाना चाहिए। एनिमल्स आर वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड विद आर्द्रा। रुद्र चमक पाठ, रुद्र चमक पाठ और रुद्र चमक अभिषेक करना, अगर सैटर्न किसी को परेशान कर रहा है आर्द्रा में, या सैटर्न की महादशा अंतरदशा चल रही है, रुद्र चमक अभिषेक से अच्छा कोई भी रेमेडी नहीं है। रुद्र चमक अभिषेक करना इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस पीपल। प्रोफेशन की बात करें तो फार्मिंग, अब फार्मिंग कैसे आया, अगर हम मृगशिरा की बात करें तो वहां पे फर्टिलिटी, रोहिणी की बात करें तो फर्टिलिटी और ये आ गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, बारिश आ गई, जमीन के साथ हमको बारिश की भी जरूरत है, बारिश होगी तो अंकुरित होंगे, विस्फोट होंगे, तो फार्मिंग इज वन ऑफ द गुड प्रोफेशन फॉर आर्द्रा पीपल। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिसिन एंड वाइल्ड मेडिसिन आयुर्वेदिक इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। टेकिंग गाइड्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, आइदर ट्रेकिंग, जंगल से रिलेटेड, उनसे जितने भी रिलेटेड प्रोफेशन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, एनिमल से रिलेटेड एनिमल ट्रेनर, एनिमल से रिलेटेड जितने भी है, गाय बिल्ली इन सबको पालना, ये सारे हंटर्स, हंटर्स भी एज ए प्रोफेशन आर्द्रा वालों को बहुत ज्यादा सूट करता है।
अगर हम टेक्नोलॉजी में बात करें तो CSIT कंप्यूटर साइंस एंड आईटी टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये राहु को रूल कर रहा है, तो सैटर्न राहु या आर्द्रा में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन गया तो डेफिनेटली दैट विल सक्सेड इन दिस। साथ में एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि आर्द्रा में क्या है, जैमिनी, जैमिनी एक तो बुद्धि और विवेक आ गया, और रुद्रा, रुद्रा 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 की एनर्जी, रुद्रा इज ओनली, वहीं से सारी एस्ट्रोलॉजी निकली है, शक्ति, शिव और शक्ति से ही निकली है। सो दे आर ग्रेट हीलर्स, दे आर ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स, दे आर ग्रेट तांत्रिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, साइकिक पावर बहुत होती है आद्रा वालों में, बट वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो साइकिक पावर बहुत ज्यादा होती है आद्रा में। ये भी एक राहु की प्रॉपर्टी हो गई है। अगर हम देखें आद्रा का, एक मतलब होता है तीक्ष्ण, यानी शार्प या इंटेंस, बहुत नुकीला। इससे तीन चीजें पता पड़ती हैं। पहली तो अंडरगोइंग सर्जरी, कोई ना कोई सर्जरी कर रहा है या सर्जरी से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, और दूसरा सेपरेशन फ्रॉम बिजनेस पार्टनर, फ्रेंड और स्पाउस, डाइवोर्स, क्योंकि शार्प है, काट देगा चीजों को, गिविंग अप बैड हैबिट्स, और पनिशिंग समवन हु हैज एक्टेड रॉन्गली। क्योंकि हमने देखा ब्रह्मा की जो स्टोरी है, ब्रह्मा की स्टोरी में ब्रह्मा ने कुछ गलत किया और भोलेनाथ ने उसको काट, तो ये लोग बुरे का साथ नहीं देते, ये दे हेट समथिंग, अगर कुछ गलत हो रहा है तो दिस आर द पीपल हु विल एक्ट ऑन दैट। अगर हम दूसरा देखें, अगर शिवा का एक और स्टोरी अगर बात करें, तो ऐसा कहा गया रुद्रा का जो इनकार्नेशन है वो ब्रह्मा की आईब्रोज से हुआ, तो इन लोगों की आईब्रोज बहुत प्रोमिनेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जस्टिन बीबर आद्रा असेंडेंट है, जस्टिन बीबर की अगर आईब्रोज देखोगे तो दैट इज लाइक थोड़ी प्रोमिनेंट, मतलब ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट और मोस्ट वन ऑफ द हैंडसम पर्सन, बट उसकी अगर आईब्रोज देखोगे तो दैट इज प्रोमिनेंट। तो आर्द्रा वालों की आईब्रोज प्रोमिनेंट होती है अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। अब रुद्रा का ये डिजायर था एक्चुअली कि ही वॉन्ट्स टू बिकम द लॉर्ड ऑफ एनिमल। सो मार्स की जो वो है, सिक्स हाउस को, पेट एनिमल्स को मार्स रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आद्रा में मार्स आ रहा है तो टैटूज बनवाना और एनिमल को पाल, लाइक एनिमल रखना, वो सारी चीजें भी देखी जाती है। अगर हम बात करें 1945 में वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके जस्ट बाद आद्रा में बहुत सारे प्लेनेट एंटर किए, तो आर्द्रा क्या बोलता है, आर्द्रा अब डिस्ट्रक्शन तो हो गया, आर्द्रा रिप्रेजेंट द क्राइम इश्यूज आल्सो। सो बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया था ड्यू टू दैट, वहां पे क्राई क्राई क्राई। उसके बाद जब सारी शांति हो गई तो सब रो रहे थे, अंदर ही अंदर घुट रहे थे ग्रीफ। सो दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट इन आर्द्रा। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, स्किन सेंसिटिव क्योंकि जैमिनी में है, एलर्जीज, मेंटल डिसऑर्डर, लंग्स प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम भी आद्रा वालों को हो जाती है। आद्रा वाले आर ऑल्सो नोन एज क्राफ्टी, शूड, एडेप्टिंग ब्लैक मैजिक, ईगोइस्टिक, सेल्फ इम्पोर्टेंट, ये सारे अगर आप भोलेनाथ से रिलेट करोगे तो कहीं ना कहीं अच्छे वे में निकल जाएंगे, अगर बुरे वे में लोगे तो क्राफ्टी हो जाएगा, शूड होगा, सेल्फिश हो जाएगा, अनग्रेटफुल हो जाएगा, फिरोशियस, वॉयलेंट, फायरेसी, फिजिकल पावर, पावरेस, सिनफुल, वैलरस, करेजियस, हीरोइक, एडवेंचरस, अनग्रेटफुल, ये सारी चीजें भी आद्रा वालों में आ जाती है। अगर हम देखें आर्द्रा इज अ ब्रिंगर ऑफ द फर्टिलाइजिंग रेन्स। ये बोलता है कि आर्द्र जब भी ये सन आर्द्रा में आता है तो उस समय टेम्परेचर चेंज होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो लाइक बारिश होती है, तो टीयर्स वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट की बात करें तो वराह मीरा में आर्द्रा को बोला गया है क्राफ्टी, इगोइस्टिक, अनग्रेटफुल, फिरोशियस, सिनफुल, होप
होराशारा में बोला गया वियरिंग माइंड, वेवरिंग माइंड, जिसका माइंड बदलता रहता है, क्राफ्टी, स्पीकर, स्टील अदर्स मनी, सेल्फ रेस्पेक्टेड, फ्यू सन्स, लॉन्ग लिव, रॉयल मनी। होरा रत्ना में कहा गया एडेप्टेड इन ब्लैक मैजिक, वैलेरियस, स्किलफुल इन ट्रेडिंग, डिसेप्टेबल, अनग्रेटफुल, फायरेसी। अगर देखो ऋग्वेदा में जो रुद्रा को बताया गया है, रुद्रा इज अ डाइटी ऑफ स्टॉर्म्स, विंड, हंड, तो बारिश वाली हमने बात कर ली है वहां पे, तो ये वाले ट्रेड्स इनमें रहते हैं, इसलिए ये लोग बहुत जल्दी गुस्सा भी कर जाते हैं। क्राइड आउट लाउड, बच्चा अगर पैदा हुआ है तो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, और बिकॉज रूट का मीनिंग ही ये हो गया है ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग इज टू क्राई। और अगर डिस्ट्रक्टिव पावर किसी में आ गई है तो उनको रुद्र चमका और चमकम, रुद्र चमकम और रुद्र प्रश्ना, ये वाले जो वो हैं ये करने चाहिए। अगर हम बात करें 11 रुद्र हैं और 11 रुद्र में 11 रुद्रों के जो नाम हैं वो हैं कपाली, पिंगला, भीमा, विरूपाक्षा, विलोहिता, शास्ता, अजापाड़ा, और ऐसे ही 11वें का नाम है भावा। भावा मतलब 11th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से ही ये 11वें रुद्र से ही, ये 11 रुद्रों से ही 11th चार्ट आया है हमारा, 11th डिविजनल चार्ट जिसे हम बोलते हैं रुद्रांशा। रुद्रांशा चार्ट इज नथिंग बट या ये 11 रुद्रों से बना हुआ चार्ट ही बोला जाता है। उसके 11 डाइटीज भी, हम एक तरह से 11 डाइटीज भी बोलते हैं, अगर हम उसको डिकोड करेंगे 11 डाइटीज के अकॉर्डिंग तो रुद्रांशा बन जाएगा। ये स्ट्रगल्स, स्ट्राइफ को भी बताते हैं, क्योंकि जैसे बुद्धा की हमने स्टोरी देखी, इनिशियली जब वो घर से निकले तो स्ट्रगल किया, भोलेनाथ को आउटकास्ट कर दिया तो स्ट्रगल किया उनने, सो स्ट्रगल भी बताता है ये थोड़ा। अब हम एक दो चार्ट्स भी ले लेते हैं जो जो मैं बोला, लाइक एनिमल लवर्स होते हैं बहुत सारे, जो एनिमल एक्सोटिक एनिमल्स को पालने वाले होते हैं। अगर हम, ये भी एक टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि आर्द्रा जो नक्षत्र है वो सबसे बड़ा नक्षत्र है पूरे जोडिएक में, उसका जो कॉन्स्टिलेशन है सबसे बड़ा है वो, दैट इज 65 टाइम्स लार्जर साइज एंड 400 टाइम्स हॉटर एज कम्पेयर टू सन। अगर वो इतना गर्म है तो सोचिए गुस्सा आएगा नहीं आएगा बंदे को, आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिलेशन अपना थोड़ा सा रिजल्ट दिखा रहा है। और इवन द होल सोलर सिस्टम कैन ड्वेल इट, इतनी पावर है कि सारा का सारा हमारा सोलर सिस्टम आर्द्रा कॉन्स्टिलेशन में ही चला जाए। और आर्द्रा प्रवेश चक्र बोलता है, आर्द्रा जब भी कॉन्स्टिलेशन सन उसमें आएगा तो टीयर्स और ये वाले जो वो आते हैं तो आर्द्रा प्रवेश चक्र में ही बारिश होती है, मॉइस्ट वो दिखाता है बारिश होगी। तो अब हम देखते हैं, एक दो चार्ट देखते हैं। ये है रेसी वाइटर स्पून्स, आर्द्रा में इनका मार्स है, असेंडेंट मृक्षिरा आर्द्रा एनर्जी। पहली बात मैंने बोला पशुपतिनाथ वाली जो बात थी, सो ये डोंकीज को पालती हैं, लाइक पेट्स, डोंकीज पेट्स को कहाँ से देखा जाता है, 6th हाउस से 11th हाउस से। 6th हाउस का लॉर्ड आर्द्रा में बैठा है, मतलब ये कोई ना कोई पेट्स पालती होंगी, फालतू जानवर, ये डोंकी पालती है, डोंकी यूजली लोग नहीं पालते, तो इसको एक्सोटिक बोल सकते हैं हम एक तरह से। दूसरा मैंने टेटो बनवाना, ये वाले जो ट्रेड्स हैं ये भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनका ये 6th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है बैली, इनने अपने बैली के साइड में टैटू बनवा रखा है। और क्योंकि मार्स, मार्स क्या हो गया, निडल हो गया, शार्प, और इन लोगों को, आर्द्रा वालों को खुद को दर्द देना भी बहुत पसंद होता है, तो यहाँ से भी हम चीजें देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लूं तो जस्टिन बीबर का
लग्न ही आर्द्रा का है, लग्न ही आर्द्रा का है, तो उनने एक्सोटिक एनिमल पाल रखा है कैपुचिन मंकी करके, एंड उनके होल बॉडी पे उनने टैटूज बनवा रखे हैं। अब देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज अगर यहाँ देखें, आर्द्रा को रूल कौन करता है? आर्द्रा को रूल करती है, आर्द्रा को रूल करता है राहु। राहु रिप्रेजेंट सिनेमा, यूट्यूब, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें। अब इनने क्या किया, इनकी मदर ने यूट्यूब पे इनका वीडियो डाला था। ड्यू टू दैट राहु एंड आर्द्रा एनर्जी गॉट चैनलाइज, और वहां से लोगों ने इनको देखा और ही बिकम स्टार ओवरनाइट। देख रहे हैं कितने, मतलब अदर कॉम्बिनेशंस आर देयर, बट देन टू अगर हम प्रोमिनेंट नक्षत्र जो कि लग्न नक्षत्र हो गया उसकी ही बात करें, तो आर्द्रा में आ गया और कैसे एनर्जी चैनलाइज हो गई यूट्यूब के थ्रू। एंटरटेनमेंट, यूट्यूब, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं आर्द्रा वालों के लिए। इनकी होल बॉडी पे इनने टैटू बनवा रखे हैं यूट्यूब, और इनकी प्रोमिनेंट आईज भी है, आईब्रोज भी है, तो ये आर्द्रा के सारे ट्रेड्स दिखा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो सारे, अगर लॉर्ड हनुमान को देखे तो हनुमान भी वायु पुत्र है, वायु पुत्र है तो हनुमान भी आर्द्रा की बहुत सारी संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी वाइल्ड लाइफ, वो वाइल्ड लाइफ मेडिसिन है, क्योंकि वो जंगल में पाई जाती है, तो वो जंगल में ही गए थे लेने। सो आर्द्रा की एनर्जी बहुत ज्यादा रिसेम्बल करती है, हमको जस्ट समझना है कि वो बता क्या रहा है। ऊपर से हनुमान जी एनिमल उसके भी थे, लाइक उनका अगर देखें तो मंकीज के, बंदरों के उसमें आते हैं। सो वापस आर्द्रा का, और रुद्रा के अवतार भी हैं, तो आर्द्रा की प्रोमिनेंट एनर्जी वहां देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें अगर हम थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करें तो सारी चीजें, अब ये लोग आर्द्रा वाले ही लोनर्स होते हैं, क्योंकि वहां पे उनने अकेलापन इनको बहुत पसंद है। साथ में अगर मैं बोलूं आर्द्रा का, तो आर्द्रा वालों को सिटीज में रहना ज्यादा पसंद नहीं है, उनको गांव में रहना ज्यादा पसंद है, या फिर सन्यासी हो गए, ये सब हो गए, तो इसलिए अकेलापन उनको, अब सिटीज में क्या भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है, तो बहुत सी बार उनकी एनर्जी सही से चैनलाइज नहीं हो पाती, इसलिए दे आर लोनर्स। अगर बैड उसमें चले जाए तो मर्डरर्स भी आर्द्रा वाले होते हैं। मर्डरर्स, खुद के हाथ पैर काट लेना, गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया तो हाथ काट लिया, बॉयफ्रेंड ने डिच कर दिया तो हाथ काट लिया, या फिर थोड़ा मेंटल प्रेशर आया तो हाथ काट लिया। दिस इज ऑल ट्रेट्स ऑफ आर्द्रा होल। सो होप यू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ आर्द्रा नक्षत्र। मैंने बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स करने की कोशिश की है आर्द्रा में बाय डिफरेंट स्टोरीज। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अगर आपको और भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जानना है प्रीवियस नक्षत्रास की, यू कैन गो एंड वॉच ईच एंड एवरी स्टोरीज आई हैव पोस्टेड टिल वृक्षिरा नक्षत्र। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, साथ में अष्टकवर्गा और प्रोमिनेंस ऑफ नक्षत्र इनके भी सीरीज स्टार्ट की हुई है, अगर उसके बारे में भी आपको डिटेल जानना है तो आप देख सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।